बचा पाएंगे मोदी जी अपनी सीट को? सर बचाने का तो सवाल वहाँ खड़ा होता है जहाँ षड्यंत्र और राजनीति होती है। जो जनता का लोकप्रिय नेता होता है उसे कुछ बचाने की जरूरत नहीं होती, जनता उसके साथ खड़ी रहती है कंधे से कंधा मिला करके। उन्होंने साबित करा है कि वो ईमानदार चौकीदार हैं, इस बात को उन्होंने साबित करा है, कंटिन्यू साबित करा। अगर वो साबित नहीं कर रहे होते तो, अगर गलती होती तो 14 में होती, सिर्फ 19 में नहीं होती। किलाबंदी हो रही है, घेराबंदी हो रही है, यहाँ दिल्ली से लेकर सभी नेता एकजुट हो रहे हैं, झेल पाएंगे? सर क्यों नहीं झेल पाएंगे, आप एक बात बताइए, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ में, एक बात देखिए आप, ममता बनर्जी और ये सारे जितने भी हैं, और घेराबंदी कौन कर रहा है? पलटू चाचा, उनके आज की न्यूज़ देखिए आप, उनके खुद के विधायक ने क्या बोला है, पार्टी छोड़ दी है मांझी जी ने। अब देखिए ये सब कुछ नहीं है, बिना मतलब की बातें हैं, सिर पैर की बातें। 40 विधायक टोटल खुद उनके पास हैं, वो कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से जुड़कर अपनी सरकार बचाते हैं, तो विपक्ष का चेहरा बनने की कोशिश करते हैं, पर वो अभी आरोप लगा रहा है कि महंगाई पर बात ना करो, बेरोजगारी पर बात ना करो, और किसी मुद्दे पर डेवलपमेंट पर बात ना करो, और हिंदू मुसलमान ही है इनके पास, ये कह रहा है विपक्ष। तो विपक्ष तो जी बहुत कुछ बोलता है, कौन कह रहा है महंगाई पर गवर्नमेंट, विपक्ष केवल इन्हीं मसलों पर बात करना चाहता है, हिंदू मुसलमान और ये मसलों पर गवर्नमेंट तो नहीं बात कर रही, क्योंकि सड़क बन रही है इस पर सब चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, मुसलमान भाई भी चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं, क्योंकि अगर सड़क बनती है उस पर हवा में उड़ के कोई धर्म का लड़का व्यक्ति जाएगा नहीं, वो सबके लिए बन रही है। सरकार की कोई योजना आती तो सारी जाति मजहब धर्म के लोगों के लिए आती है, कोई स्पेशल के लिए तो आती नहीं है। हाँ अभी कह रहा है राहुल गांधी सफल हो गए, कर्नाटक में चुनाव जीत गए, उनकी यात्रा सफल हो गई, अब बस वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, कांग्रेस पार्टी अंदर से बिखर चुकी, टूट चुकी है, इनके नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों छोड़ कर गए आप इस बात को समझो, आज सचिन पायलट राजस्थान में क्यों छोड़ रहे हैं, उसी कगार पे हैं, क्यों? क्योंकि उनने इनका चेहरा देख लिया, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब बात रही राहुल गांधी की, मैं तो उनको प्रधानमंत्री की कैटेगरी में देखता भी नहीं हूँ। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वो एक अपरिपक्व है, उनके अंदर वो बात नहीं है, उनकी बातों से वो नहीं झलकता कि एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। सब एम फिल कर रखा है उन्होंने, सर एम फिल करने से सर्टिफिकेट चल जाता है क्या? इस एम फिल करने से ये कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ? दुनियादारी की नॉलेज और एम फिल करके ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज़ है, एम फिल उन्होंने भारत में नहीं करा है, विदेश से आप क्या पढ़ के आओ ये मैटर नहीं करता, भारत में पढ़ोगे तभी आपको भारत का कल्चर समझ में आएगा। अभी मेरे को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दोगे मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्यों? मैं कि वहाँ की ग्लोबल सिचुएशन को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के माहौल को, वहाँ के व्यक्ति को क्या चाहिए मुझे नहीं पता। लाल किले पे मेरे से अभी पूछो कि यहाँ पर आम जनता को क्या चाहिए, यहाँ पर बल्ली मरान के बाद कौन सी गली पड़ेगी मैं बता दूंगा, अमेरिका में पूछोगे ना वाशिंगटन डीसी और ये व्हाइट हाउस के बगल में कौन गली, मेरे को नहीं पता। तो अपने देश की बात करो जी, वो एम फिल करने से कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई। अरे CBI ED सब विपक्ष के पीछे लगा दिया, और सब जो नेता हैं जो टॉप के लीडर हैं वो अंदर हैं सब। मुख्यालय तो पी चिदम्बरम जी ने उद्घाटन करा था, आज वो खुद CBI के लपेटे में। हमने बोला था घोटाला करो, हमने बोला था चारा घोटाला, जीजा जी घोटाला, तू जी घोटाला, AZ तक XYZ को छोड़ दे तो कांग्रेस ने किस नाम का घोटाला नहीं करा है, सारे नाम के घोटाले कर रखे इन्होंने, इनके सारे नेता बेल पर चल रहे हैं, हाथ पैर जोड़ करके कोर्ट से बोलते ही जी हमारे को ऐसे पूछताछ मत करो। क्यों नहीं करेंगे जी? बिल्कुल करेंगे। चोरी काम गिनाइए, कुछ काम गिनाइए, वो कह रहे हैं काम गिनाओ, ऐसे नाम से नहीं होगा। मैं गिनाता हूँ काम, राष्ट्रीय मार्ग राजमार्गों को गांवों के साथ जोड़ा जा रहा है, 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा डेली सड़कें बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रोजगार युवाओं को ट्रेंड करा जा रहा है ताकि वो खुद से स्किल डेवलप हो उनके अंदर, प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को घर दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री ये देखिए आप पहले सुनते होंगे महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था सोच के लिए, आज की डेट में गांव-गांव में शौचालय, घर घर में शौचालय बन रहा है, 80 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के अंदर राशन बांटा, ये काम नहीं है तो और क्या है। बात करते हैं नौकरी के ऊपर, युवा हैं आप, 2 करोड़ की बात की गई थी, विपक्ष इसी के ऊपर चोट कर रहा है कि 2 करोड़ की बात कही गई थी, कहाँ है 2 करोड़? भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, आपने जो वहाँ वादा करा था रोजगार देंगे और आते ही 2 दिन में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे, कितने बंदों का करा? कोई 4 बंदे अभी ला के टेबल पर बिठा दें राजस्थान और मध्य प्रदेश के जिनका उन्होंने कर्जा माफ़ करा, मैं राहुल गांधी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। लेकिन बात बोलने की अलग है और करने की अलग है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में, आज की डेट में राजस्थान के युवा रोड पर बैठे हुए हैं, एक तो वहाँ वैकेंसी नहीं है, दूसरी वैकेंसी है तो पेपर लीक हो जाते हैं,
क्या व्यवस्था है राजस्थान की, इनका पहली बात तो ये नहीं पता इनका राजस्थान में नेता कौन है, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद 20 दिन तक ये डिसाइड नहीं कर पाती कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ऐसी पार्टी को कौन वोट देने जाएगा, ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा जिसमें ये लोग कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, जिसको जिसका जिस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करती हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी को कौन वोट देगा जी, मैं तो नहीं दूंगा। और बताइए, कह रहे हैं कि इकोनॉमी बढ़ रही है, 7.2 की इकोनॉमी हो गई हमारे देश की, मतलब 23 में हुई है, और बढ़ तो रहा है, पैसा तो आ रहा है, पर सिर्फ अमीरों के पास बढ़ रहा है पैसा, गरीबों के पास नहीं आ रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है। 2014 से पहले का डाटा उठा ले राहुल गांधी, मैं भी उनसे माफी मांगूंगा अगर गलत कह रहा हूं तो। देश में शुरुआत से ही 80% पैसा जो था वो अमीर लोगों के पास ही था, 20% में बिजनेसमैन के पास, 20% में सारे लोग हम सरवाइव कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, उनको इतना ही ज़्यादा दर्द है अडानी से, तो उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री क्यों जाके अडानी जी से अपने यहाँ पर राजस्थान में यूँ हाथ जोड़कर बोलते हैं कि थोड़ी दया दृष्टि राजस्थान पर भी बनाइए, यहाँ भी 67,000 करोड़ का प्लेटफॉर्म लगाइए ताकि राजस्थान के युवाओं को रोज़गार मिले। अब इसमें राहुल गांधी को कितने पैसे का मुनाफा हो रहा है, कोयला घोटाले में राजस्थान राहुल गांधी को कितना हिस्सा मिला, जी जा जी घोटाला, तू जी घोटाला में राहुल